नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर। अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का अपना जो टॉपिक है उसमें जो कि पर्यवेक्षण की जो प्रविधियाँ होती है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। पर्यवेक्षण की जो प्रविधियाँ है उसमें जैसे कि एक वैज्ञानिक है, उसमें जैसे कि अमेरिका के जो प्रोफेसर वेबर ने अपने जो अध्ययन के आधार पर पर्यवेक्षण की जो प्रविधियों की एक सूची बनाई एवं जो निम्नलिखित जो प्रमुख प्रविष्टियों को अपनी सूची में स्थान दिया गया उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अमेरिका के प्रोफेसर वेबर, अमेरिका के जो प्रोफेसर वेबर है उसके अनुसार जैसे कि समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सिस्टमों को विभिन्न समितियों में संगठित करना क्या है। विभिन्न समितियों में संगठित करना विशेष प्रकरणों के लिए शिक्षक वर्ग की मीटिंग बुलाना विशेष प्रकरणों के लिए शिक्षक वर्ग की मीटिंग बुलाना। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है मीटिंग बुलाना, उसी के साथ में फिर थर्ड जो बताया गया है विचार गोष्ठियों का, विचार विचार गोष्ठियों का आयोजन करना फिर इसी के साथ में और बताया गया है शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में भाग लेना
फिर इसमें जो कि जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो पर्यवेक्षण की जो प्रविधियाँ होती है उसमें जो अमेरिका के जो प्रोफेसर वेबर के अपने शब्दों में जो कहा है कि समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न समितियों में संगठित करना है और इसी के साथ में विशेष प्रकरणों के लिए जो शिक्षक वर्गी जो मीटिंग बुलाना, फिर इसी के साथ में विचार गोष्ठियों का आयोजन करना और शिक्षकों का दृष्टिकालीन सत्रों में भाग लेना। फिर इसमें फिफ्थ जो बताया गया है उसमें एक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दूसरे विद्यालय को देखने जाना। फिर इसी के साथ में सिक्स जो बताया गया है व्यावसायिक पुस्तकालय की व्यवस्था करना। पुस्तकालय की व्यवस्था करना। के बारे में जो विक्सन हरवार्ड और मिनी सोटा जो विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर बार्टन और बेकनर ने जो अपनी सूची में निम्नलिखित जो प्रविधियों को स्थान दिया गया है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो अमेरिका के प्रोफेसर वेबर है जो विद्यालय के जो शिक्षकों द्वारा दूसरे विद्यालय को देखने जाना और व्यावसायिक जो पुस्तकालय की व्यवस्था करना। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है प्रोफेसर बटन तथा ब्रेकनर इनके शब्दों जो में जो बताया गया है जो प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा का परिदृश्य प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर विभिन्न भाषण देना। फिर इसमें जो बताया गया छात्रों की जो समस्या को जानने के लिए को जानने के लिए
जानने के लिए परिवेक्षण करना, ठीक है। फिर इसके साथ में जो बताया गया है इसमें शिक्षक वर्ग की औपचारिक बैठक बुलाना, शिक्षक वर्ग की अनौपचारिक मीटिंग बुलाना, ठीक। निर्देशन संबंधी सम्मेलन का आयोजन करना तथा उनमें जो शिक्षकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भाषण देना, छात्रों की जो समस्याओं को जानने के लिए परिवेक्षण करना, इसी में शिक्षक वर्ग की औपचारिक मीटिंग बुलाना। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है परिवेक्षण की जो प्रविधियों को विभिन्न ढंगों से वर्गीकृत किया गया है, परंतु जो सुविधा तथा सरलता से दृष्टिकोण से इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें जो बताया गया है परिवेक्षण की जो प्रविधियां, दो पहला जो बताया गया है उसमें सामूहिक प्रविधियां, और इसमें जो सेकंड जो बताया गया है आपको उसमें वैयक्तिक प्रविधियां। जो वैयक्तिक प्रविधि को तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, कितने, तीन उपवर्ग। पहला जिसमें जो बताया गया है क्रियात्मक प्रविधियां, क्रियात्मक प्रविधियां, फिर मौखिक प्रविधियां, सेकंड जो बताया गया है मौखिक प्रविधियां, फिर इसी में जो थर्ड बताया गया है निरक्षणात्मक प्रविधियां, निरक्षणात्मक प्रविधियां, ठीक है। तो ये इसमें तीन भाग दिए गए हैं, इसमें जो क्रियात्मक प्रविधियां के अंतर्गत जो बताए गए हैं उसमें जैसे कि सामूहिक प्रविधियां, सामूहिक प्रविधियां उसमें जो वर्कशॉप और समिति आदि आती है, क्या है वर्कशॉप और समिति, ठीक है आदि। फिर इसी के अंतर्गत जो क्रियात्मक में वापिस वैयक्तिक प्रविधियां, इसमें वैयक्तिक प्रविधियां उसमें जो बताया गया है जो शिक्षण में क्रय सक्रिय भाग लेना और जो व्यक्ति रूप से समस्या का समाधान करना, जो भी समस्या है पहले तो इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, सक्रिय रूप से भाग लेना, फिर जो भी समस्या है उसका समाधान करना, समस्याओं का
इसमें जो बताया गया है जैसे कि जो मौखिक प्रविधिया में सामूहिक प्रविधिया में बताया गया वापस सामूहिक प्रविधिया उसमें जो बताया गया है इसमें सामूहिक प्रविधिया में जो कि शिक्षक वर्ग की जो मीटिंग सामूहिक मंत्रणा और निर्देशित अध्ययन आदि ठीक है। फिर इसमें शिक्षक वर्ग की जो मीटिंग मीटिंग और सामूहिक मंत्रणा और इसमें जो वेग की प्रविधि है जैसे कि व्यक्ति जो सम्मेलन होते हैं व्यवस्था संबंधी जो मंत्रालय और साक्षात्कार आदि है ना साक्षात्कार आदि ठीक। थर्ड आता है अपना निरीक्षणात्मक प्रवृत्ति उसमें सामूहिक में जैसे कि निर्देशन निरीक्षण और भ्रमण आदि सामूहिक में उसमें जो बताया गया है निर्देशित निर्देशित निरीक्षण फिर इसी में क्या वेग की प्रविधि के अंतर्गत बताए गए हैं वेग की प्रविधि उसमें जो बताया गया है जैसा कि इसमें जो निर्देशित निरीक्षण आंतरिक परिदर्शन आदि आंतरिक आदि है ना। तो ये पर्यवेक्षक की जो प्रवृत्ति है उसमें उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आज के लिए इतने काफी है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना कक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।